Hey guys, welcome back to my channel. मैं आ चुका हूँ तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वीडियो लेके। गाइज कल के दिन मेरे साथ में BGMI में एक बहुत ही गंदे वाला ग्लिच हुआ। गाइज ये ग्लिच जो है बेसिकली यूसी से रिलेटेड। मैंने यूसी परचेज किया था एंड मेरे अकाउंट में यूसी आया ही नहीं। देन फिर मैंने मेरे अकाउंट में यूसी वापस कैसे लाया वो मैं तुम लोगों को बता दूंगा, लेकिन गाइज ये गंदे वाला ग्लिच है एंड बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ये सेम ग्लिच के बारे में मेरे पास में कंप्लेंट वगैरह किया है। तो अगर ये ग्लिच तुम्हारे साथ होता है तो देन तुम लोगों को क्या करना है वो मैं तुम लोगों को बता दूंगा। बाकी गाइज अगर हम लोग इससे हट के बात करें तो जो 95% ऑफ वाला ऑफर है उससे रिलेटेड दो ऑफर देखने के लिए मिले हैं। मतलब 95% ऑफ वाला ही है लेकिन दो ऑफर देखने के लिए मिले हैं। तो इसका गाइज क्या सिनेरियो है एंड कौन से दोनों ऑफर है 95% ऑफ के नाम से आएंगे लेकिन दो अलग अलग होंगे तो वो मैं तुम लोगों को बता दूंगा। और गाइज जिनको भी ऑफर देखने के लिए मिले हैं 95% ऑफ वाला, बहुत सारे लोगों को मिला है, अगर ये ऑफर तुम्हारे फोन में यूज नहीं हो रहा है तो जो चीज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ पॉसिबल है उसके बाद में तुम्हारे फोन में ये ऑफर यूज हो सकता है, तो एक बार इसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी गाइज अगर हम लोग इससे हटके बात करें तो कल के दिन हमको BGMI में एक न्यू अल्टीमेट सेट देखने के लिए मिलने वाला है। गाइज अगर तुम लोग BGMI के एनिवर्सरी क्रेडिट पे पैसा लगा रहे हो तो एक बात समझ लो, कल के दिन जो अल्टीमेट सेट आने वाला है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। सेट तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, उसमें तुम लोगों को P90 का अपग्रेडेबल गन स्किन देखने के लिए मिलेगा गाइज। लेकिन इसी के साथ में उसमें जो रिटर्निंग वाला सेट आने वाला है, जो रिटर्निंग अल्टीमेट आने वाला है वो गाइज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को सारी की सारी चीजें बता दूंगा एंड 3.3 के अपडेट से रिलेटेड थोड़ी बहुत कुछ छोटी मोटी लीक्स है वो भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा। तो गाइज बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेन वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो ये चीज जरूर मेक श्योर कर लेना कि तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और बेल आइकन पे क्लिक कर दिया। तो गाइज सबसे पहले हम लोग चेकआउट कर लेते हैं 3.3 के अपडेट का मिथिक फौज। गाइज करंट टाइम की अगर हम लोग बात करें तो करंट टाइम जो BGMI में हम लोगों को मिथिक फौज देखने के लिए मिला है, यहाँ पे ना ही कोई अपग्रेडेबल गन है और ना ही कोई काम के हम लोगों को सेट्स वगैरह देखने के लिए मिले हैं। बट गाइज अगर इसी की कंपैरिजन में हम PUBG मोबाइल का मिथिक फौज देखिए तो वहाँ पे बहुत सारी अपग्रेडेबल गन स्किन एंड इसी के साथ में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग मिथिक सेट्स वगैरह हम लोगों को देखने के लिए मिले हैं। तो गाइज अभी ये लीक्स निकल के आई है कि 3.3 के अपडेट में जो हम लोगों को मिथिक फौज मिलने वाला है BGMI में वो एज इट इज होगा PUBG मोबाइल के। एंड 3.3 के अपडेट में जो मिथिक फौज आने वाला है गाइज उसमें ऐसी लीक्स निकल के आई है कि तुम लोगों को तीन सेट देखने के लिए मिलेंगे। वो तीनों ही सेट अभी मैं तुम लोगों को स्क्रीन पे बता देता हूँ। सबसे पहले गाइज जो मिथिक सेट तुम लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है अभी तुम लोग उसे स्क्रीन पे देख सकते हो, इसका नाम होने वाला है विजनरी क्लियर वॉइंट। एंड इसी के साथ में तुम लोगों को एक हेड गियर भी देखने के लिए मिलने वाला है जिसे भी तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है कंप्लीट सेट। इसके बाद में गाइज तुम लोगों को जो अगला सेट मिलने वाला है वो तुम्हारा होगा द 7C सेट, जो इससे पहले BGMI में ऑलरेडी आके जा चुका था। ये वाले मिथिक वापस से ऐड किए गए हैं अभी, ये कन्फर्म है गाइस 3.3 के अपडेट में PUBG मोबाइल में आने वाले हैं। लेकिन थोड़ी बहुत लीक से ये चीज पता चली है ये सेम मिथिक फौज हम लोगों को BGMI में देखने के लिए मिलेगा। एंड इसी के साथ में गाइस जो तुम्हारा थर्ड वाला मिथिक यहाँ पे होगा वो होगा तुम्हारा ब्लैक टॉर्टॉइस डिफेंडर सेट एंड इसका हेड गियर जिसे अभी तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। इस सेट के साथ में गाइस बेसिकली तुम लोगों को एक इमोट भी मिलने वाला है जिसे भी तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, और जो हमारा 7C था उसके साथ भी हम लोगों को इमोट मिलने वाला है। तो अब देखते हैं गाइस जब भी BGMI में 3.3 का अपडेट आएगा तब क्या हम लोगों को मिथिक फौज में कोई अपग्रेडेबल गन स्किन या फिर PUBG मोबाइल की जैसा सेम एज इट इज हम लोगों को मिथिक फौज देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं, ये हम अपडेट आने के बाद चेकआउट कर लेंगे। बाकी गाइज अगर हम लोग इससे हटके बात करें तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को ये चीज बता देता हूँ कि जो 95% ऑफ वाले हम लोगों को ऑफर देखने के लिए मिले हैं बेसिकली गाइज वो दो ऑफर है, जो अलग अलग लोगों को दो अलग अलग ऑफर देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से गाइज एक ऑफर ऐसा होने वाला है जिसे तुम BGMI के किसी भी पैक पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन गाइज यहाँ पे एक ऑफर ऐसा होने वाला है जिसको तुम 75 रुपीज से ऊपर वाले किसी प्लान पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ BGMI में। तो वो ऑफर क्या है एंड कौन सा है मैं तुम लोगों को दोनों बता देता हूँ। सबसे पहला ऑफर दोगे तुम्हारा जो अप टू 180 रुपीज वाला है, मतलब तुम किसी भी पैक पे से अप्लाई करोगे तो तुम लोगों को अप टू 180 रुपीज तक का ऑफ देखने के लिए मिल जाएंगे। और बेसिकली जो भी बंदा इस ऑफर को यूज करता है तो उसको 150 से प्लस का ही ऑफ देखने के लिए मिलता है। अब गाइज इससे हटकी जो दूसरा ऑफर है यहाँ पे सीन ऐसा है कि तुम लोगों को 190 के अंडर ही परचेस करना है। अब गाइज अगर ये ऑफर हम जो 190 के अंडर वाला है इसे BGMI में अप्लाई करेंगे तो 190 के अंडर में गाइज BGMI में एक ही प्लान है जो है तुम्हारा 75 रुपए वाला। तो इसका मतलब सीधा सीधा गाइज ये होता है कि तुम लोग BGMI में ये सेम ऑफर को 75 रुपए से ज्यादा वाले प्लान पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो जिस भी बंदे का ये ऑफर अप्लाई नहीं हो रहा है तो वो एक बार इस चीज को ट्राई करके देख लेना क्या तुम 75 रुपीज वाला प्लान परचेस कर पा रहे हो या फिर नहीं। एंड गाइज अगर तुम्हारा ये ऑफर अप्लाई हो जाता है तो ये जो 75 रुपीज वाला प्लान है ये तुम लोगों को पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए में। तो गाइज ये जो बहुत सारे लोग ये चीज बोल रहे थे ना कि हमारा ऑफर अप्लाई नहीं हो रहा है BGMI में, तो एक बार तुम लोगों ने ये चीज को ट्राई करके देख लेना। मुझे ऐसा लगता है जिनके साथ में दिक्कत हो रही है वो इसी वजह से हो रही है, एक बार ये चीज ट्राई करके देखना, हो सकता है तुम्हारा इशू रिजॉल्व हो जाए।
गाइस तुम लोगों को ये चीज कैसे पता चलेंगी कि तुमको जो ऑफर मिला है वो अंडर 190 रुपीस वाला है? तो उसको चेक करने के लिए बेसिकली जो तुम्हारा ऑफर है तुमने उस पर क्लिक करना। जब तुम लोग उस पर क्लिक करोगे तो उस पर क्लिक करने के बाद गाइस तुम लोगों को यहाँ पे अभी तुम लोग देख सकते हो अप टू 180 लिखा हुआ है, वहां पे अंडर 190 लिखा हुआ होगा। अगर ऐसा कुछ तुमको ऑफर देखने के लिए मिला है तो एक बार गाइस तुम लोगों ने इससे 75 रुपीस वाले प्लान पे अप्लाई करके देखना, मे बी ये अप्लाई हो जाएगा। अगर गाइस अब ये इसके बाद भी अप्लाई नहीं होता है तो फिर तुम लोगों को वेट ही करना पड़ेगा। जब तक ये ऑफर मेरे को नहीं मिलता है तब तक मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता हूँ कि इसमें क्या इशू है। तो जब भी मुझे ये ऑफर मिलेगा मैं तुम लोगों को एकदम क्लियर कट बता दूंगा कि इस ऑफर का क्या इशू है, कैसे इसे यूज करना है। गाइस मैंने तुम लोगों को ये चीज बताई थी कि हम लोगों को कल के दिन देखने के लिए मिलने वाला है एक न्यू अल्टीमेट सेट, जिसमें गाइस तुम्हारा आने वाला है P90 का एक अपग्रेडेबल गन स्किन, एंड इसी के साथ में गाइस तुम लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है साइबर कैट नाम से एक अल्टीमेट सेट। बेसिकली ये सेट तो मैं तुम लोगों को गाइज ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं ये P90 का स्किन भी तुम लोगों को गाइज ऑलरेडी बता चुका हूँ, बढ़िया P90 का स्किन होने वाला है। लेकिन इससे हटके गाइज जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज मेरे को यहाँ पे लगी है वो ये है कि यहाँ पे गाइज तुम लोगों को एक रिटर्निंग सेट भी देखने के लिए मिलने वाला है जो बेसिकली एक अल्टीमेट सेट होगा। तो गाइज यहाँ पे जो रिटर्निंग सेट आने वाला है वो होगा तुम्हारा ब्रेम्बल वॉरलॉर्ड सेट, बेसिकली ये एक अल्टीमेट सेट होगा, एंड इसी के साथ में गाइज तुम लोगों को यहाँ पे इसका अल्टीमेट हेड गियर भी देखने के लिए मिलेगा। एंड इसी के साथ में गाइज इसका जो इमोट होने वाला है जो बेसिकली एक मिथिक इमोट होगा, अभी तुम लोग उसे भी स्क्रीन पे देख सकते हो। इससे हटके गाइज अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे तुम लोगों को एक AWM का गन स्किन देखने के लिए मिलने वाला है। ये गन स्किन गाइज AWM का सबसे ज्यादा OG गन स्किन है, लेकिन गाइज ये सेट इतना ज्यादा पुराना है कि यहाँ पे तुम लोगों को कोई भी गन स्किन जितनी नजर आ रही है कोई भी अपग्रेडेबल नहीं है। तुम लोगों को ये ओम का स्किन देखने के लिए मिलेगा जो एक OG टाइप का ओम का स्किन है। इसी के बाद में गाइज तुम लोगों को यहाँ पे एक DBS का गन स्किन देखने के लिए मिलेगा जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया गन स्किन है, लेकिन ये भी कोई अपग्रेडेबल गन स्किन नहीं है। इसी के साथ में गाइज यहाँ पे तुम लोगों को जो ग्लाइडर मिलने वाला है, भाई साहब मैं मजाक नहीं कर रहा, ये ग्लाइडर पे पूरा पैसा वसूल हो जाता है गाइज। ये ग्लाइडर को गाइज अभी तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ग्लाइडर है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ज्यादा कम है। तो गाइज अगर तुम्हारा जो मम्मी वाला अल्टीमेट सेट आया है या फिर एनिवर्सरी ग्रेड जो आया है BGMI में वो नहीं निकल रहा है तो उसके पीछे और ज्यादा पैसा मत बर्बाद करो, ये अल्टीमेट सेट आने वाला है। यहाँ पे गारंटीड रिवर्ट का सीन है, तुम लोग 8-10 हज़ार 20 हज़ार लोग 27 हज़ार UC लगा दे रहे हैं भाई, तो इतना ज्यादा UC मत लगाओ, 8,000 UC का बजट लेके चलना, तुम्हारा यहाँ पे सब कुछ निकल जाएगा ये जो अल्टीमेट स्पिन आने वाला है इसके अंदर। बाकी इसी के साथ में दूसरे जो रिवर्ट मिलने वाले हैं गाइज अभी तुम लोग उसे भी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो गाइज ये वाला जो अल्टीमेट स्पिन है ये तुम लोगों को कल के दिन BGMI में देखने के लिए मिल जाएगा, एंड बहुत ही ज्यादा हाई क्या 99% कंफर्म है कि यही रिटर्निंग इवेंट तुम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर ये OG वाला अल्टीमेट सेट प्लस इसी का OG हेड गियर प्लस इसी के साथ में सारी की सारी PUBG मोबाइल के टाइम से जो OG गन स्किन्स है वो तुम लोगों को यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर गाइज फिर तुम लोग चाहते हो तो तुम लोग इसके लिए जा सकते हो। बाकी गाइज मेरे हिसाब से जो तुम्हारा एनिवर्सरी ग्रेड है उस पर 3-4 हज़ार से ज्यादा UC नहीं लगाना चाहिए, तो इसका तो गाइज अभी यही सीन है। बाकी अगर हम लोग इससे हटके बात करें तो मैंने तुम लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मेरे साथ में UC से रिलेटेड एक ग्लिच हुआ था, बहुत ही गंदे वाला ग्लिच हुआ था गाइज। मैंने क्या किया था गाइज, BGMI का एक 750 रुपये वाला पैक परचेस किया था, मेरे पास में 100 रुपये ऑफ के 2 ऑफर थे। मैंने पहला पैक परचेस किया उस पर ऑफर लगाया था, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया उस पर तुम लोगों को ये चीज बता चुका था। देन उसके बाद में गाइज मैं वापस से UC परचेस करने के लिए जाता हूँ, मुझे 750 वाला एक और भी पैक परचेस करना था एंड पैक परचेस कर लेता हूँ, एंड गाइज मेरा पैक परचेस भी हो जाता है सक्सेसफुली। लेकिन भाई अभी मैं तुम लोगों को यहाँ पे क्या बोलूँ, क्या ही बोलूँ, मेरे तो कुछ समझ में आया नहीं गाइज, मेरा UC नहीं मिला मुझे गाइज। ये UC 5-10 मिनट के लिए नहीं मिलता तो समझ में आ जाता था, लेकिन गाइज मेरे को UC मेरा टोटल 12 घंटे के बाद मिला था। मतलब गाइज कल जब मैंने मॉर्निंग में पैक परचेस किया उसके बाद में मेरे को 12 घंटे के बाद में गाइज UC मिला था। तुम सोच लो यहाँ पे मेरे साथ में क्या ही गंदे वाला सीन हुआ था। इससे रिलेटेड गाइज मैं जो कुछ कर सकता था, BGMI के कुछ ऑफिशियल्स हैं जिनके मैं कांटेक्ट में हूँ, मैंने उनसे बात की, उन लोगों को ये चीज़ बताया कि भाई मेरा पेमेंट कट गया लेकिन UC नहीं मिला, तो उन लोगों ने मेरे को ये बोला कि आपको डायरेक्टली ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में UC वगैरह आ जाएगा। लेकिन गाइज जो UC था उसके आने का पता ही नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, मैंने इन गेम ID में जाके जो हमारा कंप्लेंट वगैरह होता है वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करवाया, उधर भी गाइज कुछ भी नहीं हुआ। मतलब इनिशियली तो मेरे को उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, देन मैंने थोड़े बहुत आर्टिकल पढ़े इससे रिलेटेड, उसके बाद में गाइज फिर मैंने क्या किया, BGMI को अनइंस्टॉल किया, एंड वापस से इंस्टॉल करने के बाद में जो हम कंप्लेंट वगैरह करते हैं ना सेटिंग वगैरह में जाके जो हम कंप्लेंट करते हैं वहाँ से गाइज मैंने कंप्लेंट किया, एंड जो मैंने कंप्लेंट किया उसमें मैंने यही चीज़ बोली कि मेरे को UC नहीं मिला है, UC से रिलेटेड मेरा प्रॉब्लम है। देन उन लोगों ने उसको थोड़ा सा रिजॉल्व वगैरह किया, देन मैं क्लासिक लगाता हूँ, एंड क्लासिक लगा के जब बाहर आता हूँ तो गाइज मेरे अकाउंट में UC आ चुका था, जो UC अप वाला इवेंट है, तो वहाँ से भी मेरा जो UC रिमेनिंग बाकी था जो मुझे नहीं मिला तो गाइज वो भी मिल चुका था। अभी तुम लोग देख सकते हो मेरे अकाउंट में इतना UC है।
तो गाइस बेसिकली मेरे बोलने का मतलब ये है कि ये सेम ग्लिच अगर तुम्हारे साथ होता है तो तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना है। इसलिए सबसे पहले तुम लोगों ने जो तुम्हारा कंप्लेंट होता है वहां से कंप्लेंट कर देना, हो सके तो तुम्हारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। एक गन गेम खेल लेना या एक क्लासिक खेल लेना, आके देखोगे तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं होता है गेम को तुम लोगों को अनइंस्टॉल करना है देन वापस से इंस्टॉल करना है। जब तुम लोग ये चीज करोगे उसके बाद जब तुम लोग आके कंप्लेंट करोगे उसके बाद एक और गेम खेल लेना, क्लासिक खेल लेना या फिर तुम TDM वगैरह जो भी खेलना चाहते हो खेल लेना, देन तुम्हारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा गाइस 100%। तो अगर तुम में से अभी किसी के भी साथ में इशू आता है तो तुम लोग इस तरीके से गाइस उसे सॉल्व कर सकते हो। बाकी अब यही था जो तुम लोगों को आज के इस वीडियो में बताना था। इससे रिलेटेड कोई भी तुम लोगों को डाउट हो तुम लोग बेझिझक मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड अगर तुम लोगों को मेरा काम काम का लगा हो और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो तुमने इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।